Hello, bitta. we are going to discuss chemistry 16th March shift 1 paper and I will try to explain each and every question with proper solutions so that you can understand the concept which is going to be asked in the next coming shifts. Okay, so we are going to give this paper four times. You have four trials this time. This is the second trial and this discussion will help you in the next trial, third or fourth trial. Let's start with the discussion.

डाल्टन ऑफ पार्शल प्रेशर में आपका फॉर्मूला था पी टोटल इज वी एन टोटल एंड देन यू हैव आर टी तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल प्रेशर अब आपके पास वी कॉन्स्टेंट है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते थे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए बिट इज सिक्सटीन बाई थर्टी टू ऑक्सीजन के मोल्स आ गए देन यू हैव फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर then you have third 28 by 28 these are the three gases ye aapke paas aage, total number of moles rt by v this is here it is equal to p total this is the question natural aap isko solve this is 1 by 2 1 1 it is going to be 5 by 2 the total pressure comes out to be 5 by 2 rt by v correct answer is going to be here one this is going to be the correct option right now

तो अमोनिया आई मीन फॉस्फीन देन यू हैव आर सीन देन इट इज गोइंग टू बी स्टे और लास्ट इज गोइंग टू बी बिस्थीन तो ये आपके पास हाइड्राइड्स थे अब इस बार हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग पार पूछा अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो बॉइलिंग पॉइंट पूछ लें बॉन्ड लेंथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेसिक करेक्टर ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं तो इट मींस हाइड्राइड्स की सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आप देखो जरा यहां पे हमें पूछा रिड्यूसिंग करेक्टर हम कहेंगे डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करता था रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेस जब आप कह रहे हो रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बन जाएगा बी आई एच थ्री तो आंसर शुड बी बिस्मत राइट क्यों ऐसा होता था बेटा क्योंकि हाइड्रोजन यानी बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा एंड इजियर इज दिएशन ऑफ अर बी दिएशन बेटर अगर आपको यहां एसिडिक करेक्टर पूछ लेते तो भी आपका आंसर सेम रहता एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइट इंक्रीजेस डाउनवर्ड इनकेस आपको बेसिक करेक्टर पूछ ले तो बेसिक कैरेक्टर में आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा इन केस ऑफ बेसिक कैरेक्टर योर ऑर्डर इज गोइंग टू बी जब आप बेसिक की बात करोगे तो वो डिक्रीज कर जाएगा तो आपको ये ऑर्डर सारे याद रखने हैं दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पी ब्लॉक में ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक ऑफ योर एग्जामिनर्स अक्सर वो इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आंसर नाउ आंसर इज करेक्ट बिस्मत नाउ थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आ रहा है ओजोन से रिलेटेड अब जब हमारे पास क्वेश्चन ओजोन से रिलेटेड है तो दो चैप्टर्स में आपको ओजोन दिखता है वन इज इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड सेकेंड इज इन योर, यस पी ब्लॉक वेरी गुड से पी ब्लॉक में भी ये ओजोन दिखता था अब पी ब्लॉक में ओजोन के बारे में सिर्फ थोड़ा सा आता था, था ग्लोबल आप कहते हो ओजोन जो है डिप्लीट हो रही है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वहाँ से रिलीज होते हैं सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन के बारे में बोलते हैं लेकिन जब हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग एसिड रेन तो चैप्टर ओजोन इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ओजोन एज रिस्पॉन्सिबल फोर नेचुरल एसिडिक तो है नहीं तो एसिड रेन नहीं हो सकता था ग्लोबल वार्मिंग नॉट एट ऑल ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग और रिड्यूसिंग स्मोक तो अंडरस्टूड सी बात है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग क्योंकि ओजोन क्या करता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ कंबाइन करता है उनकी ऑक्सीडेशन कर देता है और ये बन जाएगा NO2 O2 यानी आपको ये ब्राउन हेजी सा सिस्टम बन जाएगा एक ब्राउन सा हेज बनेगा और ओज़ोन की वजह से वहाँ पे एक स्मॉग बनेगी विच इज जरा, इस बार हर शिफ्ट में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ रहा है राइट अगर आप लोगों ने मार्च अभी तो मार्च का पेपर दिया फेबर में एग्जाम दिया था तब भी आपने देखा ओजोन वाले पार्ट में से वहां पे क्लासिकल स्मॉग

स्टेमिन पे क्वेश्चन आ रहे हैं इन एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इस बार ये क्वेश्चन जब आया तो प्लस टू के बच्चे जो इस बार अपेयर हो रहे थे जिन लोगों ने ये चैप्टर किया ही नहीं, ये सोच किया कि बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहा तो लेट्स लीव दिस चैप्टर उनका यह क्वेश्चन गलत हो गया होगा हो, लेकिन जिन बच्चों ने यह सोच किया कि बोर्ड में नहीं आ रहा तो ना सही हमारे पास वैसे तो ये एग्जाम में आ ही रहा है मीनस में आ रहा है तो उन्होंने पढ़ लिया था एंटी हिस्टेमि बेटे एंटी हिस्टेमिंस क्या होते हैं हिस्टेमस के अगेंस्ट Histamines क्या होते हैं हमारी बॉडी में जब कोई एलर्जी होती है तो उस एलर्जी के अगेंस्ट हम क्या करते हैं है, है, क्योंकि स्टमक में एंट एसिड क्यों दिया जाता है जब पेट में एसिड ज्यादा बन रहा है इसका मतलब पेट को कुछ एलर्जी हो रही है तो स्टमक में जब कोई एलर्जी होती है जान आपने कुछ ऐसा खा लिया जो स्टमक के लिए एक्सेप्टेबल uh, नहीं है तो ज्यादा एसिड क्रिएट कर रहा है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया एंटीड विच इज अगेन एंटी एलर्जिक एंटी एसिड आपको समझ आ गया एलर्जेसिक होता है बच्चे पेन किलर एंटी डिप्रेसेंट यू नो दैट अगेंस्ट डिप्रेशन एंटी पायरेटिकीवर फीवर में जैसे आप खाते हो कॉम्बिफ्लेम uh, डिस्प्रिन तो ये सारे एंटीपायरेटिक एंटीपायरेटिक हम कहते हैं फीवर में आपके पास पैरासिटामोल पीसीएम जो है वो एक एंटीपायरेटिक ड्रग है एनएल जैसे कि पेन किलर पेन किलर में डिस्प्रिन एस्प्रिन और सेरिडॉन ये सब पेन किलर्स है तो ये सब आपके पास थे क्वेश्चन एंटी हिस्टेमिन पे आ रहा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अब आपको नेक्स्ट शिफ्ट के लिए ध्यान रखना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से एंटीसेप्टिक राइट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीबायोटिक वेरी इंपॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम नेरो स्पेक्ट्रम ये सब टॉपिक्स आप एक बार जरूर रिवाइज कर लेना उनका एक एक यूज पता आपको होना चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस टॉपिक इज विटामिन यानी क्वेश्चन इज अबाउट विटामिन चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग विस आर स्टोर्ड इन द बॉडी ना बायोमोलिक्यूल्स आपने किया हो या ना किया हो लेकिन आपको ये पता है कि आप बचपन से करते आ रहे हो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है बी कॉम्प्लेक्स जिसमें बी वन से लेकर बी ट्वेल्व तक बहुत सारे होते हैं यानी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन so तो आप कहते हो ये सारे इनमें से वो कह रहे हैं, बॉडी हमारी बॉडी में कौन स्टोर होता है तो बेटा विटामिन की क्लासिफिकेशन याद करो जरा आपके पास हम कहते थे विटामिन आर ऑफ टू टाइप एक होते थे फैट सोल्यूबल और एक हमारे पास होते थे वॉटर सॉल्यूबल वेरी गुड जब आप कहते हो फैट सॉल्यूबल एंड वॉटर सोल्यूबल तो ये आपको नाइन टेंथ क्लास में भी बताते थे कि ए डी ई के ए डी ई के दीज आर फैट सॉल्यूबल और बी और सी दीज टू आर वॉटर सोल्यूबल आप जो है, है? है। जब जब आप, आपका body का medium क्या है? हमारा medium aqueous है. हमारे blood, हमारी body में हम हम काम करते करते हैं। हैं, तो इन दोनों vitamins की बात आउट फ्रॉम अवर बॉडी अगर आप ज्यादा खा लोगे तो बॉडी में स्टोर नहीं होंगे तो पानी के साथ ही यूरिन के साथ ये बाहर निकल जाएंगे लेकिन ADE के these are fat soluble. तो हमारी बॉडी में फैट जो रहता है वो हमारी यूरिन के रास्ते बाहर नहीं जा सकता हमारी बॉडी में स्वेट से भी बहुत ज्यादा फैट बाहर नहीं निकलता तो ये सारे विटामिन फैट सॉल्यूबल है और ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं तो आंसर शुड बी विटामिन ए एंड डी तो आप ये कह सकते हो अब आपके पास यहां आंसर आ रहा था विटामिन ए विटामिन डी दीज टू आर स्टोर्ड इन अवर बॉडी ये फ्लश आउट नहीं होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्फर कैन बी रिमूव फ्रॉम ओर जैसे मैंने पढ़ा, मुझे समझ आ गया. When we talk about ore, तो गयाउट से हमें एक ही बात समझ आती है है. कि metallurgy का question है. अब metallurgy का अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि सल्फर कैन बी रिमूव फ्रॉम ओर बाय रोस्टिंग होता है हीटिंग ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो जब आप सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे डेफिनेटली सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और दिस गैस विल बी रिमूव स्मेल्टिंग क्या होता है स्मेल्टिंग होता है हीटिंग ओर इन दब एयर तो हम कहते थे मेटल सल्फाइड ओर्स और हैविंग सल्फर दीज ओर आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर सो दैट सल्फर शुड बी रिमूव्ड एज ऑक्सीडाइज यानी सल्फर डाइऑक्साइड तो आंसर मस्ट बी रोस्ट रोस्टिंग आपका आंसर बन गया है रोस्टिंग बिल्कुल ठीक ऑप्शन बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है नेम ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व अब विटामिन बी ट्वेल्व की बात करें तो विटामिन बी ट्वेल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बी ट्वेल्व हमें वायोमोलिक्यू वाइटामिन पे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन दिख रहे हैं शायद कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्ट पेपर वी हैव नॉट सीन ये हमारे अपने बच्चों ने जो जो हमें हिंट दिए कि ये क्वेश्चन आया था मैम ये क्वेश्चन आया था उससे हमने ये क्वेश्चन की लिस्ट बना ली अब वाइटामिन पे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं वो कह रहे हैं साइनो कोबालमीन तो बेटा हमने साइनो कोबालमीन ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है एंड दिस कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी वाइटामिन बी ट्वेल्व ये बी वन से लेकर बी ट्वेल्व तक में सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें नेचुरल है कोबाल्ट मेटल विच इज सेंट्रल मेटल और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है राइट नाइसिन राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन शुड बी द स्पेलिंग एफ आएगा और थायमिन ये तीनों भी विटामिन बी ही है एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ये बी वन है

और हम पहले में जब भी थर्मोनमिक्स पढ़ाते हैं तो आपको पहले ही दिन सिखाया जाता तो है कि बेटा हीट एंड वर्क दीज आर टू पाथ फंक्शन बट एनर्जी चेंज डेल्टा यू डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी दीज आर स्टेट फंक्शन तो हीट और वर्क दोनों पाथ फंक्शन है यानी पाथ चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जैसे हमने पाथ चेंज किया हमें पता है कि पाथ चेंज करते ही वर्क का अमाउंट चेंज जाता है जैसे आप

यानी कमाल है पी ब्लॉक में से दूसरा क्वेश्चन आ गया और दूसरा भी हाइड्राइड से ही आ रहा है इट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर मींस आपको कह रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली के आपने लिखे हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली मीन्स यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर एच टू एस एच टू एसई एच टू टी ई एंड एच टू पी ओ दीज आर दाइड्राइड्स आपसे कह रहे हैं इनकी स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है यहां सबसे छोटा बॉन्ड होगा जितना छोटा बॉन्ड होता है उतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है स्मॉल बॉन्ड शॉर्ट बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड मोर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देर फोर इट इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल कंपाउंड थर्मली और जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो बेटा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जा रही है जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली सबसे लॉन्ग बॉन्ड होगा लॉन्ग बॉन्ड क्या होते हैं वीक बॉन्ड होते हैं और ये थर्मली सबसे अनस्टेबल हो जाएगा यानी अगर आप नीचे जा रहे हो तो आपको पता चल गया थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर रही है डिक्रीज डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ओवर दियर तो ये हमारे पास आंसर बनना चाहिए अब अपने ऑप्शन में हमें यही चेक करना था ऑर्डर वॉटर एच टू एस एक्च टू एस सी एच टू टी ई एच टू पी ओ नेचुरल है हम लोग ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर जो बन रहा था दैट एंड ऑन टू द क्वेश्चन अगेन एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन उसने पी ब्लॉक में से पूछ लिए और क्वेश्चन क्या है इट इज अबाउट मैच द कॉलम हाइपोफोस्फोरस एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक हाइपोफोस्फोरिक देन ऑर्थोफोस्फोरस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल और इवन कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है और जब भी हम टीचर्स क्लास में आपको पढ़ाते हैं हम अक्सर बोलते हैं बेटे ये एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक सल्फर के ऑक्सो एसिड्स और एक फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स हम कहते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इनका ऑक्सीडेशन नंबर इनकी बेसिसिटी इनमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स हैं या नहीं है इनका स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या है इस वेरी सिंपल क्वेश्चन लेकिन बच्चों से फिर भी गलत हुआ था अब आप देखो इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है वट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस अब आपको अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आपको आता था फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड इट इज एच थ्री टू अगर आपको यह समझ आ गया कि इट इज एच थ्री पी ओ टू तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने वन निकाला फॉस्फोरस का तो मैच कर गया इट मीन ए इज गोइंग टू मैच विथ वन इन फोर राइट तो तीन ऑप्शंस करेक्ट हो रही थी फिर आपने देखा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड ऑर्थो का को कोई मतलब नहीं होता ऑर्थो मतलब आप उसे इग्नोर भी कर देते तो H3PO4. तो फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड एसिड इट इज ऑर्थो प्लस फाइव इज द ऑक्सीडेशन नंबर आप कहोगे इट मीन वन के साथ मैच कर रहा है बी इज गोइंग टू मैच विद वन यानी तीनों ऑप्शन अभी बी करेक्ट है देन ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज एच थ्री पीओ थ्री नॉर्मल फॉस्फोरस एसिड को ही हम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी कह सकते थे तो ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू बी थ्री ये भी मैच हो गया अब बचा है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसिड बेटा ये एसिड आपके पास था जिस एसिड में फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस होता है अक्सर हमारे पास ये क्वेश्चन जरूर आता है विच ऑफ द ऑक्सो एसिड आर हैविंग फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिंकेज कौन से ऑक्सो एसिड में फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिंकेज नजर आएगा तो ओनली वन एसिड दर इज एच फोर पी टू ओ सिक्स ये आपके पास बेसिकली पायरो एसिड में से अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर दू ओ सेवन अगर मैं उसमें से एक ऑक्सीजन कम करूंगी तो बन जाएगा एच फोर पी टू ओ सिक्स और यह एक ही ऐसा एसिड है जिसमें डायरेक्टली फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है अब हमारे पास ये एसिड बन गया इसका आंसर आपके पास आ गया था फोर योर आंसर इज गोइंग टू बी आपको ये मैच बन रहा था फाइव के साथ ये मैचिंग बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है विथ थ्री एंड दिस इज गोइंग टू बी विथ फोर मैच मैट्रिक्स ओवर हेयर आप इसे मैच करते यू विल गेट द करेक्ट आंसर इजी क्वेश्चन जरूर था लेकिन पॉइंट यह था कि बच्चों को फार्मूला ही नहीं याद थे मेन प्रॉब्लम थी फॉर्मूलाज नेक्स्ट इज मैच द प्रोसेस विद सबस्टांस प्रोड्यूस्ड आप इसे कह सकते हैं पी ब्लॉक और इसे कह सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री ऑल्सो है ना सर्फेस केमिस्ट्री में भी हमने ये देखा था कि कैटेलिस्ट प्रोसेसिस के नाम आए थे एक बार और टेबल भी है एक प्रोसेसिस का और इसके अलावा मेनली पी ब्लॉक में तो आप करते ही हो हैबर्स प्रोसेस भी जब बचपन से करते आ रहे हो छोटे होते तब भी कहते थे प्रोसेस फॉर अमोनिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी सबको याद था सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ फोर ऑसवर्ड प्रोसेस हॉल हेरा प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अल्यूमिनियम वाले चैप्टर में पी ब्लॉक प्लस वन में भी था और यही टॉपिक आपके पास मेटलर्जी में भी था अलुमिनियम की मेटलर्जी जब आप अलूमिनियम बनाते हो फ्रॉम ए एल टू ओ थ्री तो हम था हमने इसे सॉल्व किया एंड विल गेट आंसर तो आप मैचिंग कर सकते थे राइट right? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बच्चों ने हमें क्वेश्चंस सजेस्ट किए थे कि ये क्वेश्चन आए हैं हमने उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस आपको दे दिया समझना इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर तो हो चुका है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक बड़ी देर बाद ऑर्गेनिक दिखिए ऑर्गेनिक में आपके पास क्वेश्चन है एक कंपाउंड गिवन है उसमें डाइबल एच डाल दिया डाइबेल एच देखते ही हमें क्या याद आता है चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड एंड एल्डिहाइड एलडीटोन्स में आपके पास जब भी एस्टर्स की रिडक्शन करते हैं विद डाइबे एच तो एस्टर्स क्या करते हैं दे आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट तो ये ही बन जाएगा एल्डिहाइड और ये रह जाएगा एल्कोहल, राइट रिडक्शन होती है और रिडक्शन से आपको क्या मिलता है एस्टर इज रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड एंड अल्कोहल ओएच इज रिमेनिंग देयर इट मींस हमारे पास ये एक कार्बन था दिस इज वन कार्बन हियर तो ये कार्बन टू और उसके बाद क्या आ गया CHO यहां पे ओ के साथ C डबल बॉन्ड ओ और ये टूट रहा है दिस इज नॉट पॉसिबल यहां आपके पास ये डबल बॉन्ड खत्म कर रहे हैं हमें है कि कोई भी डबल को रिड्यूस नहीं करता और यहां आपके पास ये को कर दिया आंसर्स यही तो एक ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है जो ठीक हो सकता था एंड दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज फ्रॉम एल्कोहल्स एंड अल्काइल टॉपिक दिख रहा है मुझे एलिमिनेशन क्योंकि देखो जरा जो आंसर्स हैं मेरे पास ऑप्शंस बन रहे हैं उनमें डबल बॉन्ड आ रहा है इट मींस इट इज फ्रॉम एलिमिनेशन रिएक्शंस अल्कोहल से आप क्या कर रहे हो डिहाइड्रेशन और यहां हमें दिख रहा है कि हम करेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अब जब मैंने अल्कोहल से डिहाइड्रेशन किया एच थ्री पीओ फोर एसिड की प्रेजेंस में तो डेफिनेटली मुझे सेजेफ प्रोडक्ट बनाना है यानी मोर ब्रांस एल्कीन्स आर मोर स्टेबल तो मैंने यहां पे एच लगा लेती हूँ और यहां से हम ओ एच निकाल देंगे यहां से एच वाटर निकल जाएगा विल गेट एल्कीन तो आपके पास ए वन एंड फोर दिस टू कैन बी द करेक्ट आंसर और उसके बाद जब मैंने इस पे ये बेस डाल दिया दिस इज गोइंग टू बी अ बल्की बेस जब हम बल्की बेस ऐड करते हैं तो बल्की बेस एलिमिनेशन को प्रेफर करता है लेकिन बल्कि बेस की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अक्सर हॉफमैन प्रोडक्ट देना प्रेफर करता है यानी वो हॉफ मैन प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बना सकता है अगर यहाँ पे बल्कि बेस ने एच निकालना है तो मेरे पास दो ऑप्शन या तो मैं ऊपर से एच ले सकती थी या इस साइड पे अगर मुझे मोर ब्रांच अल्किन बनाना होता तो हम यहां से एच सी एल नहीं करते बट आई वॉन्ट टू हैव अस ब्रांच अल्कीन इट मीनस यूर करेक्ट आंसर शुड बी हॉफ मैन प्रोडक्ट तो यहां आपके पास आना चाहिए हॉफमैन प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट में आप यहां पे कार्बन और ये डबल बॉन्ड आएगा यह प्रोडक्ट आएगा तो आपके पास ये आपके क्वेश्चन था फ्रॉम एलिमिनेशन अच्छा क्वेश्चन था यू कैन मार्क योर आंसर नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है फ्रॉम ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मतलब आपका टॉपिक हो गया एमाइड टू एमीन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन याद कर लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एमाइड की प्रॉपर्टी है सी ओ एन एच टू से शुरू करते हैं हम इसमें हम ब्रोमीन एंड के ओ एच डाल देते थे और ब्रोमीन और के एच यानी बेस और हेलोजन इनकी प्रेजेंस में मैंने यहां से सीओ हटा देना है तो मुझे एनएच टू मिल जाएगा दैट तो इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पहला रिएक्शन तो है ये करेक्ट ये तो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन अब इसमें देखते हैं पहले मैंने डाला ब्रोमीन एंड एन एच जाएगा। कौन सा प्रोसेस हेलोफॉर्म बेंजीन को हम कुछ नहीं करेंगे इस कार्बन को कुछ नहीं कर सकते थे हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये एच यानी ओ एच आ गया प्लस सी एच बी आर थ्री तो हेलोफॉर्म रिएक्शन वी आर गोइंग टू गेट ये कह सकते हो यहां पे हमारे पास एक एसिड सॉल्ट बन रहा है राइट right? तो आप यहां एक एसिड सॉल्ट फॉर्म कर लोगे यहां पे मार्क कर दो इट इज ओ नेगेटिव सॉल्ट बन गया उसके बाद आपने इसमें अमोनिया ऐड कर दिया जब आपने इसमें अमोनिया डाला तो ये फिर क्या बन जाएगा एमाइड बन जाएगा यानी सी एन एच टू बन गया नाउ वी आर गेटिंग एमाइड एमाइड के बाद वो कह रहे हैं लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड डाल दो लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड एमाइड को रिड्यूस करके क्या बनाएगा प्राइमरी लेकिन यहां कहीं पे भी हॉफमैन डिग्रेडेशन तो हुआ ही नहीं इट डज नॉट टेक प्लेस पूछा था ये मेरा करेक्ट आंसर बनना चाहिए यहां मुझे कहीं हॉफमैन ब्रोमोवाइड डिग्रेडेशन नहीं नजर आ रही थी राइट बाकी में भी देख लेते हैं बट साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो पहले क्या बनेगा साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस हमें मिलेगा अगेन अ सॉल्ट फिर आपने उसको हाइड्रोलाइज कर दिया तो हाइड्रोलाइज करने से ये एसिड बन गया क्योंकि बेस है बेस को हाइड्रोलाइज किया Brumine के क्यूएच डालोगे नेचुरल एसिड से ब्रोमीन के एच तो आपके पास साइनाइड बेसिक हाइड्रोलाइसिस लेकिन यहां एक क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि जब आप बेसिक हाइड्रोलिस कर रहे हो तो कंसंट्रेटेड मीडियम में देयर इज अ चांस कि मुझे एमाइड मिल सकता था यानी आपको यहां पे एक क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम दो ऑप्शन टिक नहीं कर पा रहे थे तो हमें सिंगल करेक्ट बताना है तो हमें यह सोचना पड़ सकता है कि क्या साइनाइड की हाइड्रोलोसिस डाल्यूट मीडियम में है कि कंसनट्रेटेड अगर ये कंसनट्रेटेड मीडियम होता तो एमाइड तो बन गया राइट right? तो ये आपके पास फिर एमाइड बनना चाहिए अगर ये एमाइड फॉर्म होता है तो उसके अगले स्टेप में हाफमैन मैन डिग्रेडेशन एंड विल गेट फॉर्मेशन ऑफ अमीन भी डिग्रेडेशन है नेक्स्ट को भी देख लेते हैं पहले आपने रिएक्शन किया फिर अमोनिया डाल दिया यानी यही वाले दो स्टेप्स हो गए और फिर इसमें भी आपका आंसर डिग्रेडेशन हो रहा था तो आंसर शुड बी टू जिसमें कोई ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन नहीं हुआ है पिक्चर में आ रहा था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपको इसको याद रखना है नेक्स्ट शिफ्ट्स में आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन पे क्वेश्चन नजर आएंगे नेक्स्ट आपके पास है केटलिस्ट इज लिंडलार कहा सुना था लिंकार केटलिस्ट हमने लिंलार केटलिस्ट सुना था जब हम कहते हैं एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है तो हमें एक पॉइजन रिडक्शन सजेस्ट किया जाता था एंड दैट पॉइजन रिडक्शन इज आप लिखते थे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और स्पेशली वहां लिखा जाता था बेरियम सल्फेट तो ये जो केटलिस्ट था इसे हम बोलते थे पॉइजनिस्ट पॉइजन होगी पॉइजन रिडक्शन देखना डीएक्टिवेटेड केटलिस्ट है तो पार्शली एक्टिवेटेड और पार्शली डीएक्टिवेटेड ये दोनों तो आंसर थे ही नहीं ये तो दो मुझे दिख ही रहे हैं ये फैंटन री है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये आपके पास एच एंड जिंक कलोराइड है

एनलिन में नाइट्रस एसिड ऐड किया तो ए बन गया ए में कुछ बी डाला तो फिनोल बन गया आपको ए और बी आइडेंटिफाई करना है बेटे में नाइट्रस एसिड या गिवन नहीं था लेकिन ऑप्शंस देखो तो डाइजोनियम नजर आ रहा है मुझे और नाइट्रो नजर आ रहा है यानी आपके पास अगर यहां टेम्परेचर नहीं भी गिवन है तो नाइट्रो तो बन ही नहीं सकता था डाइजोनियम ही बनेगा इट मीन ए तो पक्की बात है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट था अब मेरे पास उसके बाद हम क्या डालें डाइजोनियम में ऐसा क्या डाल सकते हैं कि आपका फिनोल बन जाए डाइजोनियम टू फिनोल चाहिए मुझे तो आपको याद होगा डाइजोनियम क्लोराइड का हम फ्लो चार्ट क्या करते थे जिसमें सारी रिएक्शन एक ही पेज पर आ जाती थी तो डाइजोनियम की रिडक्शन और डाइजोनियम की ऑक्सीडेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थी हम कहते डाइजोनियम में वाटर ऐड कर दो सिंपली ऐड वाटर तो आपके पास क्या बनता है फिनोल फिनोल। बन जाएगा। You'll get तो आपको वहां पे डाइजोनियम को फिनोल बनाना है right? तो तो से से फिनोल बनाने के लिए what option you can collect is? तो आपने कहा बनेगा, फिर वाटर डाल के हीट कर दो, 5 से थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर दे, दे देना तो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नहीं आया मोस्ट प्रॉबन नेक्स्ट शिफ्ट में आपको जरूर मिलेगा अभी तक रिगनाट से हमें कोई क्वेश्चन किसी शिफ्ट में नहीं दिखा था नेक्स्ट टॉपिक अब आपके पास आ गया सर्शन रीजन स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टाइप क्वेश्चन ये एम्स में आया करते थे एम्स से हटा दिए तो अब आपके गले पड़ गए यानी एम्स से हमने ये क्वेश्चन हटा दिए उनको नीट दे दिया और आपके लिए सर्शन रीजन आ गए मुश्किल वहां पे भी थी लेकिन आपके लिए थोड़े आसान से रखे गए हैं इस बार क्वेश्चन है एसिटोन एग्जिस्ट इन इनोलिक फॉर्म लेस देन पॉइंट बट एसिटाइल एसिटोन प्रिडोमिनेटली एग्जिस्ट इन इनोलिक फॉर्म मोर देन फिफ्टीन परसेंट लेट इज मोर देन फिफ्टीन यानी काफी ज्यादा परसेंटेज है रीजन दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनोलिक फॉर्म इन एसिटाइल एसिटोन इट वाइल इन इट इज एबसेंट इन एसिटोन पहले मैं ड्रॉ करके बता देती हूं क्या कहना चाह रहे हैं वो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो एसिटोन है ना सी एच थ्री सीओ सी एच थ्री जिसे आप कहते हो इसका एक इनोलिक फॉर्म बनता है जब आप इसकी इनोल बनाओगे फॉर्म फॉर्म में आपने इसको ऐसा बना दिया और इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रहा है तो ठीक है जी आपको रीजन ठीक सा नजर आ रहा है नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि स्टेबल तो है अबाउट जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट लेकिन सेकेंड कंपाउंड आपको दिया गया है एसिटाइल एसिटोन अंडर स्टूड सी बात है बेटे एसिटाइल एसिटोन समझने के लिए उसका फॉर्मूला तो आना चाहिए ना अगर आप ये सोचो कि नहीं जी हमें तो फॉर्मूला ही नहीं आते थे कॉमन नेम्स ही नहीं पता थे फिर तो आंसर नहीं कर सकते थे तो लेकिन आपको यहाँ पे एसीटाइल एसिटोन ये एसिटाइल ग्रुप है एसिटोन के ऊपर हमने एसिटाइल लगाया है बस अब इसका इनोल फॉर्म बनाते हैं अगर मैं इसका इनोल फॉर्म बनाऊंगी तो इट्स इनोल फॉर्म इज गोइंग टू बी सी एच थ्री फिर आपने इसको ओ OH एच बना दिया हेयर वी हैव डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड हेयर इट इज सी एच थ्री बेटा H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज O के ऊपर डेल्टा नेगेटिव देर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो एसिटाइल एसिटोन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी और अगर ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो डेफिनेटली इसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी तो आपका असर्शन ठीक है रीजन भी ठीक नजर आ रहा है बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल तो टू इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एरोमेटिसिटी यानी चैप्टर ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं एरोमेटिक तो कंपाउंड की कंडीशन याद है दिमाग में आता है एरोमेटिक हम कहेंगे साइक्लिक सारे साइक्लिक है हम कहेंगे कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखें जरा डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव यस वीन में तो खैर पता ही था डबल सिंगल डबल सिंगल डबल आपके पास एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है इट इज डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो यहां पे भी है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बट यहां सिंगल सिंगल दो बार आ गया यहां कंप्लीट कॉन्जुगेशन मिसिंग है ये एरोमेटिक नहीं हो सकता था ये एरोमेटिक है पक्की बात है अब यहां मेरे पास एक रूल था

सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हो तो एरोमेटिक होगा यानी ये भी मुझे एरोमेटिक मिल गया इस कंपाउंड में आपके पास कंप्लीट कॉन्ट्यूगेशन है साइक्लिक है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स और फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन्स हूं तो हम कहते हैं दिस इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक होने के लिए क्या चाहिए होता है फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स ठीक है आप डिस्कशन को ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने को मिल रहे हैं फोर एन प्लस टू बाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल इज फॉर एरोमेटिक फोर एन बाई इलेक्ट्रॉन इज फॉर एंटी एरोमेटिक जो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं एरोमेटिक बहुत स्टेबल एंटी एरोमेटिक वेरी अनस्टेबल तो नेचुरली ये एंटी एरोमेटिक बन गया था आंसर शुड बी ए एंड बी टू इज द करेक्ट आंसर हेयर आपका ऑप्शन बन जाता नेक्स्ट क्वेश्चन वॉटर मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग वेरी इजी क्वेश्चन बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ये तो आप बचपन से प्लस वन में शुरू हुए थे जब पहले दो महीनों में हमें ये करवाना पड़ गया था वाटर में आपने ऐसा बनाया 104.5 डिग्री लिखा था आप कहते थे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन पेयर फोर बॉन्ड एंगल डिग्रीज इज वेरी बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया है नाव बॉन्ड एंगल इन वॉटर इज हंड्रेड फोर पॉइंट फाइव डिग्री लोन प्यर लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड प्यर बॉन्ड प्यर रिपल्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके पास दोनों के दोनों क्या नजर आ रहे हैं मुझे स्टेटमेंट करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी हैं कौन सर डन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर पॉजिटिव टू सीरी पॉजिटिव अब उन्होंने डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल्स और उसके बाद इनर ट्रांजिशन लेंथ से क्वेश्चन उठाया है यानी पी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक में से कोई क्वेश्चन आपको दिखा सीरियम फोर पॉजिटिव टू सीरियम थ्री पॉजिटिव ई नॉट वन पॉइंट सेवन फोर वोल्ट किन है यह वैल्यू पॉजिटिव है बिल्कुल ठीक वैल्यू दी हुई थी यानी इस वैल्यू की बात करें तो हम ये कहेंगे कि इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग ए वेरी करेक्ट वैल्यू गिवन ओवर दियर ये पॉजिटिव पोटेंशियल था दिस इज द रीजन आपको कहा जाता था कि केमेनो फोर से भी ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई है तो सीरियम है सीरियम फोर पॉजिटिव इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इवन बेटर देन योर केमेनो फोर राइट तो सीरियम की वैल्यू केमेनो फोर की वैल्यू से भी ज्यादा है और पॉजिटिव है इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब सीरियम फोर पॉजिटिव जब ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आपके पास रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है अगर हम कह रहे हैं दिस वैल्यू इज पॉजिटिव तो डेफिनेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि सीरियम फोर पॉजिटिव और सीरियम थ्री पॉजिटिव आपकी इक्वेशन फॉरवर्ड जाएगी तभी तो यह वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट कर रही है दिस इक्वेशन मस्ट गो फॉरवर्ड फॉरवर्ड बेटा तभी जा सकते हैं ना जब ये ज्यादा स्टेबल हो इट मीन सीरियम थ्री पॉजिटिव शुड बी मोर स्टेबल यहां ये कह रहे हैं सीरियम फोर पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन सीरियम थ्री ये स्टेटमेंट टू गलत हो गई और वैसे भी आप सबको याद था लेंथेनॉइड में हमारा पहला ही पॉइंट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड इज प्लस थ्री तो आपका स्टेटमेंट वन करेक्ट स्टेटमेंट टू इन करेक्ट आंसर शुड बी सी ऑप्शन यानी थर्ड पार्ट आपका आंसर बन जाता नॉ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू याशन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर क्वेश्चन इज फ्रॉम हाइड्रोजन यानी चैप्टर हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक में से बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं रीजन इज फिजिकल तो अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ही नजर आती है राइट right? तो यहां पे हाइड्रोजन परऑक्साइड दिख रहा है H2O2 क्या है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट तो बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी एसिडिक Well रिड्यूसिंग एजेंट तो हो सकता है बिल्कुल ठीक एनसीआर में भी लिखा हुआ है रियक्शन दे के समझाया गया था और फिर वो सेकेंड स्टेटमेंट दे रहे हैं इन हाइड्रोजन इकोनोमी एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ H2 टू हाइड्रोजन इकोनॉमी हाइड्रोजन इज यूज एज फ्यूल तो आप हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करना चाहते हो तो एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा फ्यूल यूज करेंगे हाइड्रोजन स्टेटमेंट आर करेक्ट आपके पास आंसर बनना चाहिए स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर ट्रू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर मूविंग ऑन टू इट इज साइज ऑफ नेपच्यूनियम थ्री पॉजिटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ियम थ्री पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट है तो आपसे कह रहे हैं कि यहां पर साइज जो है वो क्या कर रहा है इट गोइंग टू इनक्रीज तो आपके पास नेप्चूनियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बर्किलियम ठीक है जी अब यह हमारे पास क्या है दिस इज ग्रेटर क्योंकि जब आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो आपको है अलोंग द पीरियड रेडियस क्या करता है डिक्रीज करता है तो डेफिनेटली ये बड़ा होना चाहिए था ये छोटा होना चाहिए था अब आपसे कह रहे हैं इट इज ड्यू टू लेंथ एनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बट जब एलिमेंट्स एक्टेनॉइड्स हैं तो वहां एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होगा ना वहां लेंथ एनॉइड कॉन्ट्रेक्शन तो नहीं लिख सकते थे इट मीन्स दिस स्टेटमेंट टू इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट तो आप कहोगे ये हमारा गलत था ये हमारा ठीक पार्ट था योर आंसर शुड बी थ्री इंटीजर टाइप क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन भी थे अब जब हम इंटीजर टाइप क्वेश्चंस की बात करते आपके पास केमेनो फोर नेगेटिव प्लस ऑक्सलेट एच पॉजिटिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मैंगनीज टू पॉजिटिव इस पर एक क्वेश्चन आया था नाउ वी वॉन्ट टू बैलेंस दिस क्वेश्चन एंड वी वॉन्ट टू चेक द

कार्बन इज प्लस फोर हेयर मैंगनीज इज प्लस टू यह आपको ही था राइट चेंज क्या हुआ मैंगनीज प्लस सेवन से प्लस टू तो आपको नजर आया फाइव इलेक्ट्रॉन्स का गेन और फिर कार्बन का चेंज मुझे नजर आया लॉस ऑफ वन इंटू टू टू इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स क्यों क्योंकि एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दो कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इन टू आई कैन गिव यू एम एन ओ फोर निगेटिव मैंने टू एम एन ओ फोर निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फाइव मैंने मल्टीप्लाई किया ऑक्जलेट के साथ जैसे मैंने इतना कर लिया तो ये मेरे पास एक फिक्स रेशियो आ चुकी है और अब मुझे बैलेंस करना है बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मैथड तो आपने अब इसको हिट एंड ट्रायल से बैलेंस किया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मैंगनीज टू पॉजिटिव आर द आइन्स मैंगनीज बेटा हमारे पास टू है विल राइट है टेन तो टेन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपके पास ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं पहले फाइव फोर जो ट्वेंटी प्लस एट ट्वेंटी एट ऑक्सीजन ट्वेंटी और ये रहा एट ऑक्सीजन बैलेंस्ड अब मेरे पास बच्चा एच पॉजिटिव आइंस है मुझे यहाँ दिख रहे तो मुझे यहाँ सिक्सटीन लगा देना चाहिए था इट मीन्स आपका आंसर बनता है सिक्सटीन तो हमें वहाँ इंटीजियर यानी उस पर जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी थी दैर इज सिक्सटीन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है देर इज गोइंग टू बी 6.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ के ओएच डेंसिटी गिवन फाइंड द मोलारिटी यानी आपको मोलारिटी गिवन है और आपको मोलारिटी निकालनी है मोलारिटी से मोलारिटी तक की जर्नी है उल्टा भी आ सकता था लेकिन ये मोलारिटी टू मोलारिटी मान के चलते हैं डेंसिटी गिवन थी बेटा हमें पता है डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन ंग टू बी मुलाटी इन टू वन अपॉन मुलाटी प्लस मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई थाउजेंड ये हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला था जिसे आप यूज कर सकते हो आप इसे लॉन्ग कट से भी कर सकते थे लेकिन दिस इज इजियर वे लेकिन आपको ये याद करना चाहिए मोलारिटी मुझे निकालना है डेंसिटी आपके पास थी वन पॉइंट यू वॉन्ट टू कैलकुलेट अपॉन सिक्स पॉइंट फाइव प्लस थाउजेंड आपको एटीन बाय थाउजेंड एक्वा सोल्यूशन था दिस कैन बी डन एक तो ये मैथड था आपके पास दूसरा मैथड आपके पास था सिक्स फाइव मोलल इसका मतलब इटे सिक्स पॉइंट फाइव मोल्स इन वन थाउजेंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सल्यूट वेट ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट 1000 था सोल्यूट आपके पास आ जाएगा 6.5 पॉइंट फाइव इंटू मोलिकुलर मास ऑफ योर सोल्यूट राइट सिक्स मोल इंटू मोलर मास ये आपके पास आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब आपको पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन आपके पास किवन है दिस इज सोल्यूशन हिस्टर तो आपको होगी मास ऑफ यानी वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वी कैन कैलकुलेट क्या आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यहां से आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते और फिर लिखते मोलारिटीज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन टू थाउजेंड नंबर ऑफ मोल्स आपके पास था सिक्स पॉइंट फाइव इन टू थाउजेंड वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर चुके थे यहां से ये वैल्यू पुट करनी थी एंड यू विल गेट योर ऑप्शन यहाँ पे 9 आ रहा था एट पॉइंट नाइन नाइन क्या करीब आंसर था तो नाइन यू कैन मार्क आपका करेक्ट आंसर होता फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन टाइप बन रहे थे वो आपसे कह रहे हैं कॉनेटिक्स के न्यूमेरिकल में के वन गिवन है एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है आर इज ऑल्सो गिवन टेम्परेचर टी वन गिवन है देन के एट समेम्परेचर इज द क्वेश्चनियस इक्वेशन का क्वेश्चन था फॉर्मूला आप सबको याद होगा लॉग ऑफ के टू बाय के वन इज इक्वल टू ई एक्टिवेशन डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू अब लॉग के टू आपको कैलकुलेट करना है के वन आपके पास टेन रेज ट्रुपा माइनस थ्री गिवन था एक्टिवेशन एनर्जीज इलेवन पॉइंट फोर एट बेटे किलोजूल्स में है इन टू थाउजेंड करना जरूरी था टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री करेक्ट आर इज एट पॉइंट थ्री वन फोर वन बाय टू हंड्रेड माइनस वन बाय थ्री हंड्रेड फ्रॉम ऑल दीज वैल्यूज गिवन वैल्यूज आप यहाँ लॉग के टू कैलकुलेट कर लेते एंड फ्रॉम दैट के टू विल बी कैलकुलेटेड एज एंटीलॉग ऑफ दट वैल्यू तो आपका आंसर यहाँ पे टू के आसपास हो टेन पॉइंट माइनस टू तो आपके पास ये ऑप्शन बन जाता तो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन था कैलकुलेशन नो डाउट थी वहां पर बट बेटा इंजीनियर बनना है तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेंगे नाउ नेक्स्ट इज फॉर बी सी सी यूनिट सेल एच लेंथ इज गिवन फाइंड देंथ ऑफ द सेम यूनिट सेल इन एफसी अरेन्जमेंट बी सी सी और एफ सी सी अगर आपके पास ये दो पैकिंग है तो आप कहते बी तो सी सी में फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए और यहां आपके पास था फोर आर इज रूट टू ए राइट एजरेंथ आपके पास एक का गिवेन है अब रेडियस क्योंकि दोनों का सेम है पार्टिकल सेम तो रेडियस मस्ट बी सेम तो अब आपके पास बी का एच लेंथ आपको क्या गिवन है ट्वेंटी सेवन एम स्ट्रॉन्ग एंड आपको यहां गिवन है इट मीन्स रूट थ्री इन टू ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू फोर आर अब मुझे क्या निकालना है रूट टू इन टू ए डैश ये मेरा क्वेश्चन है आप इसकी रेशियो ले लेते हैं राइट तो आपको पता है फोर आर फोर आर कैंसल्ड इट मीन्स रूट थ्री Into इन Armstrong that is given to you is equal to root इक्वल a dash we can solve the value and we'll get your answer तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता आंसर इज देर यह आपका अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशंस चैप्टर सॉल्यूशंस अल्फा गिवन मोलालिटी गिवन के बी गिवन राइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन आपसे पूछें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी आपको सॉल्व क्या करना है मैं फॉर्मूला लिखती हूँ जरा डेल्टा टीबी इज आई के बी एम डेल्टा टीबी क्या होता है बेटे इट इज इंक्रीज इन in बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी टीबी माइनस टीबी नॉट आई के बी एम मुझे बेसिकली ये कैलकुलेट करना है आई फैक्टर देख लेते हैं आई फैक्टर इज गोइंग टू तो बी वन माइनस अल्फ़ा प्लस थ्री अल्फ़ा बिकॉज वी हैव थ्री आइंस फॉर्मड तो यह आ जाएगा वन प्लस टू अल्फा एंड वी कैन से दैट वन प्लस टू इन टू अल्फ़ा इज पॉइंट वन इट मीन्स वन पॉइंट टू तो एक आपके पास आई फैक्टर भी आ गया आई फैक्टर वन पॉइंट टू के बी इज पॉइंट फाइव मोलालिटी इज टेन वी कैन सॉल्व दिस वैल्यू इट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ दैट दिस इज गोइंग टू बी सिक्स तो आपके पास टी बी कितना आ जाएगा हंड्रेड प्लस हंड्रेड सिक्स इज द आंसर इजी कैल्कुलेशन अच्छा क्वेश्चन था यह भी नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अटोमिक स्ट्रक्चर अटोमिक स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन आ गया है लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री आर द वेवलेंस ऑफ फर्स्ट थ्री लाइन्स ऑफ बामर सीरीज फाइंड लेमडा वन डिवाइडेड बाय लेमडा थ्री टा थ्री है क्या पहले तो ये समझना जरूरी था बच्चे भूल ही गए बामर सीरीज में आपको यहां आना था दिस इज दिस दिस इज गोइंग टू बी बी द द एंड विल लेव लेंथ ले तो ये आपके पास लेमडा वन था दिस इज लेमडा टू दिस इज फॉर लेमडा थ्री बामर सीरीज का मतलब आपका एन वन हो गया टू एन थ्री आपका चेंज हो रहा है यानी एन वन आपका टू है बामर सीरीज में आप आ रहे हो फॉर्मूला हमें यह यूज करना है वन बाय लेमडा इज इक्वल टू आर वन बाय एन वन माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर इन टू जेड स्क्वायर बामर सीरीज की बात कर रहे हैं इसलिए एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि कुछ ही नहीं है हीलियम वन पॉजिटिव एटसेट्रा तो हम हाइड्रोजन ही मान के चलेंगे अगर बेटा मैं वन बाय लेमडा वन लिखू तो आ जाएगा आर वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री स्क् वन मैं वन बाय लेमडा थ्री लिखती तो बनता आर वन बाय अगेन टू स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री से टू फोर से टू फाइव से टू इट मीन यहां आपके पास क्या आता फाइव स्क्वायर इज अगेन सेम आपने इन दोनों की रेशियो लेनी थी फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट लेमडा वन रेशियो लेमडा थ्री यानी वन बाय लेमडा थ्री दिस डिवाइडेड बाय दिस आपको एक क्वेश्चन डालू इसको मान लो मैं वन लिख दू और इसको टू लिख दूं तो मुझे क्या करना चाहिए आई शुड डू टू एंड वन वन को उल्टा करना है टू डिवाइड बाय वन कर देंगे तो ये आंसर आ रहा था दिस इज द क्वेश्चन आर कैंसिल हो रहा था जेड कोई था ही नहीं सिंपल सी रेशो थी अच्छे से आप सॉल्व कर सकते थे ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो दिस इज हाउ वी हैव सो मेनी इन टीचर टाइप क्वेश्चन ओवर देयर ये डिस्कशंस आपको हेल्प करेंगी इन फ्यूचर आपके जो अगले एग्जाम्स यानी नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम्स हैं बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट की टू सक्सेस इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी थियर यानी आपको क्या ध्यान रखना है जब आप पेपर अटेम्प्ट करो तो आप बहुत शांत और अच्छी तरह से बैलेंस्ड होकर पेपर करो जैसे डेल्टा टी वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बहुत सारे बच्चे सिक्स आंसर लिख के आ गए तो आपसे डेल्टा टी बी नहीं पूछा था टी बी पूछा था राइट तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक आपका आंसर गलत करवा सकती है राइट इसे बहुत ही केयरफुली बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करेंगे अभी भी दो हमारे पास हैं टू मोर अटेम्प्ट आर देयर वी कैन मूव फ्रॉम नाइनटी फाइव टू नाइनटी नाइन परसेंटाइल नाइनटी नाइन टू हंड्रेड परसेंटाइल हम अपना परसेंटाइल इंक्रीज कर सकते हैं बस जस्ट आपको क्या करना है बी कॉन्फिडेंट अच्छे से प्रिपेयर करो एन सारी पढ़ के जाओ कोशिश करो एन अच्छे से रिवाइज करो उसके क्वेश्चन सॉल्व करो प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन की सो दैट टिप ऑफ द टूडे डिस्कशन इज बेटा एनसीआर टी में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और इस बार जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो आ रहे हैं एन के उनमें उन एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को डाला जा रहा है ऐसे कोशिश करो कि आप एन सी एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व कर लो ताकि आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है इट शुड बी अ वंडरफुल अटेम्प्ट। ओके जी दैट्स ऑल थैंक यू बेटा